ECAT के हवाले से डिफरेंशिएशन में जो भी हमने टॉपिक पिक किए हैं वो है जी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड इम्प्लिसिट रिलेशंस। और हम देखेंगे कि इन टॉपिक से मुतल्लिक किस तरह के एमसीक्यूज हमें ECAT में आएंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है जी, द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y equals a raised to power x, y equals 2 raised to power x, y equals e raised to power x and y equals 3 raised to power x। अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन में बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसा लॉगरिथम जिसमें बेस जो है वो e रखी जाए, विच इज ऑयलर्स कॉन्स्टेंट या यूलर्स कॉन्स्टेंट, डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ऑयलर्स कॉन्स्टेंट या यूलर्स कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू होती है कोई 2.718 समथिंग, ठीक है। ये अगर हमारे पास लॉगरिथम की बेस ई हो जाए तो हम उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब अगर कांस्टेंट जो है वो ऑयलर्स कांस्टेंट हो जाए, ई हो जाए, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई रेज़ टू पावर एक्स इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हिच इज ऑप्शन नॉट ए नॉट बी, y is equal to e raised to power x, this is the option, so c is the right answer, d bhi galat hai, so I'll tick mark c with the red pen, so this is my answer। Isi tarah se hum further jo hai wo MCQs dekhte hain, the derivative of exponential sine of x is exponential cos of x, sine of x exponential cos of x, ya cos of x exponential sine of x, ya cos of x exponential cos of x। अब जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स का, अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब ये बहुत ही एक फैंसी और एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का डेरिवेटिव है। यानी ई रेज टू पावर एक्स का जो डिराइव फंक्शन है वो भी ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको स्लाइटली इसका जस्ट हिंट एक दे दूं, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट टीच नहीं कर रहा, यानी पूरा टॉपिक टीच नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी जो है ई जो मकतब के लेक्चर्स है वहां पे पढ़ के आ चुके हैं। देखें e raised per x जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था उसका ग्राफ कुछ यूं बनता है कि when x approaches to minus infinity जो y है वो x axis को approach करता है लेकिन इसको touch नहीं करेगा, and जैसे जैसे आप move करेंगे towards positive infinity it will go very exponentially, यानी बहुत exponentially grow करेगा, and it will go like straight like this, यानी not straight but it will go at certain angle, ठीक है। आप देखें जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसके स्लोप्स ड्रॉ करें हर एक पॉइंट पे, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इन तमाम टेंजेंट का अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो वो वही फंक्शन बनेगा जो ई रेज पर एक्स का है। इसलिए हम बात करते हैं कि जो ई रेज पर एक्स का जो स्लोप फंक्शन है वो भी ई रेज पर एक्स ही है, ठीक है। इसका मतलब है ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पता चली है। तो अब अगर मुझे e raised to power x, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि जब आप e raised to power x का derivative, यानी e raised to power x का derivative e raised to power x रखते हैं, then हमने derivative लेना होता है because of composition function की वजह से, without e हम जो power होगा, जो variable होगा, जो power में आएगा वो जिस form में भी होगा हम उसका derivative भी लेंगे। अब dx by dx के one होते हैं इसलिए हम e raised to power x ही लिखते हैं, otherwise हम dx by dx का derivative भी लेते हैं, consider करते हैं। सवाल है हमारे पास y equals e raised to power sine of x, तो ठीक है e raised to power x का अगर derivative e raised to power x है तो उसका e raised to power sine of x का हो जाएगा e raised to power sine of x। लेकिन इससे आगे क्या, यानी इसके आगे ये है कि derivative हम लेंगे without e, यानी जो sine of x का sine of x है इसका भी derivative लिया जाएगा। अब ये बात हम already study कर चुके हैं trigonometric functions के अंदर या trig functions के अंदर कि sine of x का derivative किसके equal होता है, sin of x का derivative is equal to cos of x, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा e raised to power sin of x times cosine of x या cosine of x times e raised to power sin of x। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 अगर आप देखें तो cosine of x जो कि ये है times exponential sin of x e raised to power sin of x, so c is the right answer, d भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने देखा जी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुतल्लिक हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारे पास बेस है इफ इट इज नॉट ई, अगर ये यूलर्स ऑयलर्स कांस्टेंट नहीं है, यानी अगर नेचुरल
exponential function नहीं है, except यानी else than e कोई और function है, फिर उस केस में हम MCQs को किस तरह से सॉल्व करेंगे। MCQ हमारे पास जी differentiating y equals a square root x gives natural log of a over 2 times a square root x, option b, option c and option d। अब हम जानते हैं कि अगर तो e raised to power x है, अगर तो e raised to power x है, इसका derived function e raised to power x c होता है, ठीक है, यानी derivative of e raised to power x is equal to e raised to power x, makes sense। लेकिन अगर derivative of a raised to power x हो, यानी derivative of a raised to power x हो, a raised to power x हो, where a is greater than 0 and a is not equal to 1, ठीक है, और x is any real number, x जो है वो any real number हो सकता है इस particular case में, not in this case, because इसमें x negative नहीं हो सकता, because negative square root complex बना देगा, तो a इस particular a raised to power x में, इसका derivative होता जी a raised to power x का a raised to power x times natural log of base, जो कि constant होता है, natural log of a, ठीक है, time, क्योंकि उसमें natural log of e जो है, यानी natural log of e natural log exponential से cancel out हो जाता है, इसलिए हमारे पास यानी natural log of, या आप समझे log of e to the base e, log of e to the base e, तो वो obviously किसके equal होगा, 1 के equal ही होगा, तो very simple, वो क्या है, बहुत simple है, लेकिन इस particular case में क्या है, natural log of a बन जाएगा, natural log of क्या बन जाएगा, a, because natural log a से cancel out नहीं होता, इसलिए natural log of a रहता है, बाकी वही है कि without हम constant derivative लेते हैं dx by dx, dx by dx। अब अगर ये सारी सारा जो है वो अगर आप यहाँ पे apply करते हैं तो it's very simple, it's very simple कि आप समझे कि हमने यही formula apply करे, इसके अंदर भी था natural log of e, यानी log of e, चले u कर ले, अगर हम u कर लें, मैं इसको remove करता हूँ, अगर हम u कर लें log of e which is natural log to the base, यानी log of e to the base e, तो ये क्या होता है, 1 होता है, इसलिए e raised to power x आ गया, लेकिन जब वो इस केस में आएगा तो वो 1 नहीं होगा, वो natural log of a आएगा। अब यही फार्मूला आप इस पे अप्लाई करें, y is equal to a raised to power square root x, तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां से इसको रिमूव करा दूं, ये जस्ट मेरा काइंड ऑफ होमवर्क था, एक फार्मूला की रिवीजन थी, अब अगर देखें तो 1 स्टेप के अंदर ही आंसर लेके आ सकता हूं। I know के a raised to power square root x का a raised to power square root x होगा, उसके बाद natural log of constant जो कि है a, और उसके बाद without power या very without a हम derivative लेंगे square root x जो कि x raised to power 1 by 2 होता है, तो that means कि a raised to power square root x natural log of a, अब ये बात हम जानते हैं ये हो जाएगा यानी power 1 over 2 which is 1 over 2 x की power 1 over 2 minus 1 हाफ जो कि बनता है माइनस हाफ और नीचे के हो जाएगा प्लस हाफ, तो आई विल गेट ए स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बिकॉज हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, नीचे आगे हो जाएगा प्लस हाफ, और उसको अगर मैं रेडिकल साइन में लिख दूं स्क्वायर रूट एक्स, विच इज एन ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेरे पास है ऑप्शन नंबर बी, सो बी इज द राइट आंसर, ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जी लॉगरिथमिक फंक्शन से मुतालिक, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन इज 10 टू ई और 5, तो ऑब्वियसली वी नो दिस इज ई, वी हैव ऑलरेडी इसपे एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल और कॉन्स्टेंट इज द बेस ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन व्हिच इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास पहुंच जी डी बाय डीएक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज्ड टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अब इसमें हम ये बात जानते हैं कि अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, यानी ऐसा लॉगरिथमिक सिस्टम जिसमें बेस जो है वो ई होती है, उस लॉगरिथमिक सिस्टम को हम जो है नेचुरल लॉगरिथमिक सिस्टम बोलते हैं, और इस केस में आ जाएगा 1 आवर एक्स एंड देन विद हम करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं डी बाय डीएक्स ऑफ द गिवन फंक्शन जो कि 1 होता है, इसलिए हम उसको यहां पे 1 के तौर पे ट्रीट करते हैं, सो natural log of x आ जाएगा 1 over x, dx by dx is 1, तो आ जाएगा just 1 over x, ठीक है।
और यही अगर नेचुरल लॉ के बजाय बेस 10 में लॉगरिथमिक सिस्टम हो जाए, जैसे अगर मैं बात कर दूं जी के मेरे पास है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी ड्रिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, सॉरी अब ए के बजाय हम 10 कर लेते हैं स्पेसिफिक, तो इस केस में इसका जो ड्रिवेटिव हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा 1 आवर x टाइम्स 1 आवर नेचुरल लॉग ऑफ a। अब a अगर जैसे हमने यहाँ पे बात की तो इफ a इज लाइक 10 तो 1 आवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ जाएगा, जो भी यहाँ पे बेस होगी हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे जो 1 आवर x था उसमें भी हमने 1 आवर यानी अब उस पर भी हमने नेचुरल लॉग ऑफ e लिया है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 होता है, वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो लिहाजा उसमें वो चीज़ हमें नजर नहीं है, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे इसका जवाब ढूंढना है तो वो बहुत सिंपल है, उसके लिए अब चूंकि ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले जी, वो क्या है जी कि मुझे y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, अगर मैं इस तरह भी लॉगरिथम ले लूँ तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y, तो इस तरह भी लॉगरिथम ले लूँ तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब पावर आपको जो लॉगरिथम के लॉज है वो पता ही है, तो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ये सवाल बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बन जाएगा 1 ओवर y dy/dx, जबकि दिस फंक्शन इज u एंड दिस होल फंक्शन इज v, तो प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन है किसके इक्वल, व्हिच इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड देन विदाउट पावर यानी विदाउट नेचुरल लॉग, सॉरी डेरिवेटिव लिया जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x का, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि dy/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो आपको यहाँ पे हम आंसर बताएंगे जी, व्हाट इज 1 और y, y है बेसिकली अगर आप देखें तो y है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x, या सॉरी वो नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x है, यहाँ पे हमें गिवन है y, दिस इज y, सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा वाई की जगह 1 आवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dy/dx इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से कैंसिल, अब ये जो हो जाएगा बन जाएगा 1 आवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इसका भी बन जाएगा 1 आवर x, ठीक है, अब ये जो है ये राइट साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और अगर मैं 1 ओवर x कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। अब ये कौन सी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि ये नहीं हो सकती, नन नहीं हो सकती, वी गेटिंग सम आंसर, अगर आप द फर्स्ट ऑप्शन को देखें नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, सो दिस इज द राइट आंसर, तो ये मेरे पास राइट आंसर है। अगर आप इसको एक्सप्लेन ना करें और क्विकली सॉल्व करें तो ये इज नॉट गोना टेक लॉट ऑफ टाइम, आप इसको बहुत जल्दी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन से मुताल्लिक, इफ एक्स इक्वल्स थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड वाई इक्वल्स थीटा प्लस 1 देन dy/dx,
अब देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें आप एक्स और वाई ये दो वेरिएबल्स के बजाय आप तीन वेरिएबल्स ये थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हो जो कि दोनों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं। जैसे अगर फंक्शन के अंदर अगर हम लेट से थीटा सपोज कर लें, इफ थीटा इक्वल्स या इफ एक्स इक्वल्स लेट्स से थीटा प्लस वन ओवर थीटा, या इस इक्वेशन से देखिए अगर मैं इस इक्वेशन से थीटा देखूँ व्हाट इज थीटा इक्वल्स टू, तो आ जाएगा वाई माइनस वन के इक्वल, तो ये बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा एक्स इक्वल्स वाई माइनस वन प्लस वन आवर वाई माइनस वन, ठीक है वाई माइनस वन। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास अब पैरामीटर जो थीटा था मैंने इसमें से निकाल दिया, लेकिन अगर थीटा हो तो हम थीटा के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखें डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट जो फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी थीटा था वन, और थीटा प्लस वन और थीटा को लिखा जाए तो थीटा की पावर माइनस वन जो होगी माइनस वन थीटा की पावर माइनस वन देन डी थीटा बाई डी थीटा इज वन प्लस इंटू माइनस माइनस वन माइनस वन आवर थीटा स्क्वेयर। ये आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा जस्ट वन। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये बनती है जी थी वन माइनस वन और थीटा स्क्वायर, अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। तो इट्स वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बात जानते हैं हमें फाइनली प्रोड्यूस करना है डी वाई बाई डी एक्स जो कि किसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स, वेरी सिंपल डी वाई बाई डी थीटा इज वन टाइम्स डी एक्स बाई डी थीटा है थीटा स्क्वेयर माइनस वन आवर थीटा स्क्वेयर जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है ये, लेकिन चूंकि डी थीटा और डी एक्स तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वेयर आवर थीटा स्क्वेयर माइनस वन विच इज एन ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। तो लिहाजा हमने यहाँ पे बी को फाइनल कर लिया। अब इन केस अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन की समझ नहीं आ रही, आप इससे डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो आप बेशक इस फंक्शन को सॉल्व करके आप इसके थ्रू कर ले, जैसे y माइनस वन जो है मेरे पास एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस वन टाइम्स, ठीक है y माइनस वन टाइम एंड दिस होल इक्वल्स वन, तो आ जाएगा y माइनस वन टाइम्स y माइनस वन और प्लस वन और ये इज इक्वल टू x। इस तरह आप इसको अब ये फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ इसको y फाइंड आउट करके आप इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तब भी आपके पास जो है रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उस केस में अगर आपके पास जो है पैरामीटर इन्वॉल्व ना हो तो फिर उस तरह के केस में हम कर सकते हैं, अदरवाइज जब ये पैरामीटर भी डेरिवेटिव के अंदर इन्वॉल्व है तो लिहाजा मैंने पैरामीटर की सूरत में ही जवाब लिखना था, इसलिए मैंने उस मेथड से नहीं किया। तो आप बाय चेन रूल मेथड से करेंगे तो आप फिर भी कर सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट में हम एमसीक्यू देखेंगे इम्प्लिसिट रिलेशन से मुताल्लिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इम्प्लिसिट रिलेशन के अंदर, ऐसे रिलेशन जिनको आप वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी अगर आप इसमें देखें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव, इसमें वाई को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है यानी वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते जिसमें वाई सिर्फ एक साइड पे हो जाए और एक्स एक साइड पे हो जाए, इसलिए हम इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट रिलेशंस। अब इनको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा पावर फॉर्मूला टू वाई टू माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, यानी पावर फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है, माइनस फोर एक्स का जस्ट माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज फाइव का डेरिवेटिव जीरो होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, रीजन हम दे चुके हैं, आ गया टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स, फोर माइनस टू एक्स जिसमें अगर हम टू वाई डी वाई बाई डी एक्स जिसमें अगर मैं यहाँ पे टू कॉमन ले लो तो आ जाएगा टू माइनस एक्स, अब टू टू दोनों साइड से कैंसिल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। तो अगर मैं दोनों साइड पे लेट से दोनों साइड पे वाई डिवाइड कर दूँ, इस तरह भी वाई डिवाइड करूँ और इस तरह भी वाई डिवाइड करूँ तो वाई वाई से कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू माइनस एक्स ओवर वाई के इक्वल। तो जो भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा आप उसको
डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारे पास उसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। तो आपने देखा हमने किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया।